हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है कि DSSSB जो PGT के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और जितने भी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होने वाले हैं और जिनका की लिस्ट पहले निकल चुका है, तो उन सब के एडमिट कार्ड आपके डाउनलोड हो रहे हैं। तो जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जाकर वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। और कुछ बहुत सारे नियम्स हैं, क्योंकि DSSSB में जब भी पेपर होते हैं तो बहुत सारे रूल्स होते हैं, और अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो आपको परीक्षा में बैठने को भी नहीं मिल सकता है। क्योंकि ये मेरे साथ ऐसा हुआ था, मतलब कि मैं बैठने तो मिला था, लेकिन मैंने देखा था कि कई सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा था कि अगर 2 मिनट भी वो लेट आए थे, उनके जो भी टाइमिंग है, तो उनको बैठने के लिए अंदर एंट्री दे ही नहीं रहे थे। ठीक है, तो सारे इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा, और उसके बाद ही वहाँ पे जाइएगा। तो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि किन किन बातों को आपको ध्यान देना है। चलते हैं नोटिस की तरफ और देख लेते हैं ऑफिशियल नोटिस। तो दोस्तों, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ऑफिशियल नोटिस है, और ऑफिशियल नोटिस ये कब का जारी हुआ है? ऐसे तो ये जारी हो गया था आपका 14 जून को, लेकिन अभी ये अपलोड हुआ है कुछ देर पहले ही और नेट पे दिखाया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर द वेरियस पोस्ट कोड्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट शेड्यूल ऑन 25, 28, 29 एंड 30 जून 2021। तो चलते हैं आगे, देख लेते हैं क्या क्या है, कौन कौन से हैं। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन से एग्ज़ाम हैं। ठीक है, अगर आपने इनके फॉर्म डाले हैं तो आप इनको ज़रूर देख लीजिए। तो सबसे पहले 25 तारीख को आपका PGT सोशल साइंस सोशोलॉजी मेल और फीमेल है। उसके बाद 28 को दूसरा एग्ज़ाम होगा आपका PGT हिस्ट्री फीमेल और PGT कॉमर्स मेल। इसके बाद 29 को देखिए, जो कि PGT फिजिक्स, ठीक है, फीमेल, और उसके बाद PGT फिजिकल एजुकेशन मेल और PGT फिजिकल एजुकेशन फीमेल। तो बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही थी, तो मैं इनको बताना चाहूँगा कि लड़कों में जनरल में 4 सीट है, मैं इसे बता दूंगा, और लड़कियों में 6 सीट है। ठीक है, इसको भी आप देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉरी नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है कि 30 तारीख को है PGT इंग्लिश फीमेल और PGT इंग्लिश फीमेल, ये 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम्स होंगे। आइए देख लेते हैं आप कुछ इन्फॉर्मेशन इसके। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन में है, सबसे पहले हम कुछ मेन पॉइंट्स को देखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं देखेंगे। तो हमारे जो मेन पॉइंट्स है वो ये हैं कि रिपोर्टिंग टाइम आपके एडमिट कार्ड पर दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको वहाँ से रिपोर्टिंग टाइम देख लेना है कि आपको 1 घंटा पहले वहाँ पर पहुँचना है, और उस एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट जो भी डेट है उसके दिन जो भी एडमिट कार्ड पर आपके इशू किए गए हैं और किसी भी सरकमस्टेंसेस में। तो ये था आपका पहला इन्फॉर्मेशन। और दूसरा पढ़ लेते हैं यहाँ पर, दूसरा क्या कह रहे हैं, नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू इंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड कंटेनिंग 3 पेजेस विदाउट एनी ID प्रूफ। तो देखिए, बहुत सारा प्रॉब्लम क्या होता है कि इस बार जो एडमिट कार्ड निकल रहा है ना, उसके साथ 3 पेजेस निकलेंगे और आपको तीनों पेजेस ही ले जाने हैं। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि साइबर वाले को पैसा देना होता है, वो प्रिंटिंग का पैसा मांग लेता है, तो बोलते रहे 1 पेज हमारा काफ़ी है, मेरा फोटो दिख रहा है तो बस हो गया मुझे एडमिट कार्ड। ऐसा नहीं है, इस बार आपको 3 पेजेस ले जाने एडमिट कार्ड के, और साथ में एक ID प्रूफ भी रखना है। तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि वो 2 पेजेस क्या है कि आपको इन्विजिलेटर को साइन करके देने हैं, उस पर आपके थंब इम्प्रेशन भी लगेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वहाँ देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्या बोल रहा है। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि द सेकेंड पेज ऑफ एडमिट कार्ड विल बी प्रोवाइडेड एट द सेंटर एंड द सेम इज टू बी हैंडेड ओवर टू द इन्विजिलेटर ऑन द एग्जामिनेशन या एग्ज़ाम डे आफ्टर साइनिंग एंड फिक्सिंग थंब इम्प्रेशन। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो सेकेंड पेज होगा उसे आप क्या करेंगे, सेकेंड और थर्ड दोनों पेज आप किसको दे देंगे, अपने इन्विजिलेटर को दे देंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट द सेकेंड एंड थर्ड पेज ऑफ द एडमिट कार्ड इज हैंडेड ओवर टू द इन्विजिलेटर, अदरवाइज द कैंडिडेट हिमसेल्फ विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्सिक्वेंसेज। तो जो भी, मतलब इसके बाद अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फ्यूचर में जो भी चीज़ अगर वो सेलेक्ट होते हैं तो उन्हें उसकी जिम्मेदारी झेलनी पड़ेगी, स्वयं वो खुद जिम्मेदार होंगे इस बात के। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो मैं कुछ मेन पॉइंट्स आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या चीज़ें हैं, देख लीजिए आपको क्या ले जाना है, क्या ड्रेस कोड होना चाहिए, क्या पहन के जाना है, क्या नहीं पहन के जाना है। ठीक है, तो चलते हैं इसको भी देख लेते हैं। तो यह बता रहे हैं द कैंडिडेट आर डायरेक्टेड नॉट टू कैरी पेन पेंसिल बॉक्स विथ देम
एज द पेन इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द बोर्ड। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो पेन होगा वो बोर्ड के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, तो आपको किसी भी तरीके से, ठीक है, आपको किसी भी तरीके से क्या करना है कि आपको किसी भी तरीके से पेन लेके नहीं जाना है, पेन बोर्ड खुद प्रोवाइड करेगा। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं, ठीक है। द ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, तो ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन आपको बता दें पीजीटी वालों के लिए 3 घंटे का है। तो ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन कितना है, तो पीजीटी वाले एग्जाम के लिए 3 घंटे का एग्जामिनेशन होगा। 100 नंबर के आपके फर्स्ट पेपर होंगे और उसके बाद फिर आपका सेकेंड पेपर होगा जो 200 नंबर के आएंगे, ठीक है। तो ये मैं फिजिकल वालों के लिए बता रहा हूँ, बाकी मुझे नहीं पता है। और आगे देख लेते हैं, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, और 0.25 आपका नेगेटिव मार्किंग होगा प्लस 1 पॉइंट होगा अगर आप सही करते हैं, तो पॉजिटिव में 1 और नेगेटिव में 0.25 आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट की तरफ, और वहाँ देख लेते हैं आपका जो यहाँ पे देखिए बता दिया है कि एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड हो चुका है, मतलब कि अपलोड हो चुका है, आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट से, और वेबसाइट को बहुत ध्यान से देख लीजिए। इसी वेबसाइट से आपका निकलेगा, जब आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, फॉर्म फिल किया होगा, तो आपको रजिस्टर नंबर वगैरह मिला होगा, आप उससे वहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे और देख लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि एक पॉइंट और देख लेते हैं, यहाँ पे बोला गया है द कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड, तो उस कैंडिडेट को इनवैलिड माना जाएगा जिसने क्या किया है कि इन केस ही सी डज नॉट फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि मतलब नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी उसको अगर आपने फुलफिल नहीं किया है तो आपको इनवैलिड माना जाएगा, इस बात का आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो कट ऑफ डेट में उसको एलिजिबिलिटी को हटा दिया जाएगा, तो आपका क्वालिफिकेशन वगैरह जो भी आपने फिल किया हो वो एकदम सही सही होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट की तरफ, हमारा पॉइंट नंबर 11 क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 11 कह रहा है द सेकेंड एंड थर्ड पेज ऑफ एडमिट कार्ड विल बी टेकन बैक इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन द एग्जामिनेशन बाय द इन्विजिलेटर, ठीक है। और हाउ एवर द कैंडिडेट आर अलाउड टू टेक बैक होम फर्स्ट पेज ऑफ एडमिट कार्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एग्ज़ाम, तो आपको सिर्फ अपना पहला पेपर ही, मतलब जो पहला एडमिट कार्ड का पेज मिलेगा वही वापस लेके आना है, बाकी आपको वहाँ पे सबमिट कर देना है, ठीक है। अ कैंडिडेट अंडर नो सर्कमस्टेंसेस शैल बी अलाउड टू लीव एग्जामिनेशन सेंटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ आपके, मतलब जो भी एग्ज़ाम का जो टाइम आवर्स है उसको बिना आप कंप्लीट किए हुए वापस, जैसे आपका पेपर अगर 2 घंटे में हो जाएगा तो ऐसा थोड़ी नहीं कि आप 2 घंटे में वापस चले जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको पूरे वहाँ पे जब तक पेपर सबका कंप्लीट ना हो तब तक आपको हॉल छोड़ने का अलाउ नहीं होगा जो भी एग्जामिनेशन सेंटर आपका है। और चलते हैं नेक्स्ट के बारे में और भी देख लेते हैं, यहाँ पे एक बात और है कि जो आपका पेपर आएगा द क्वेश्चन विल बी बाईलैंग्वल, बाईलैंग्वल मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, एक तरफ हिंदी एक तरफ इंग्लिश भी होगा उसका, ठीक है। आप जो भी प्रेफर करेंगे उसको आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ इंस्ट्रक्शन और देख लेते हैं, COVID-19 का इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा है, इसको फॉलो करना ज़रूरी है, ठीक है। तो COVID-19 का इंस्ट्रक्शंस क्या कह रहे हैं इसको मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पे कैंडिडेट आर डायरेक्टेड टू फॉलो द SOP, ठीक है, इशूड बाई MOHFW प्रिवेंटिव मेजर्स वाइल अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन टू कंटेन स्प्रेड ऑफ COVID-19, ठीक है। इसको आप हमेशा देखेंगे तो प्रैक्टिस फिजिकल, तो आप कोशिश करेंगे कि फिजिकल डिस्टेंस बना कर रखें, ठीक है, ये आपका होगा कम से कम 6 फीट का। हाँ, यूज़ ऑफ एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र भी आप अपने साथ एक ले जाएंगे, वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं कुछ और ध्यान से, ये सब तो आपको पता ही होगा। कुछ प्रोहिबिटेड चीज़ें आपको दिखाते हैं, बताते हैं क्या क्या चीज़ें प्रोहिबिटेड आइटम्स कौन से होंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे द कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी द फॉलोइंग आइटम्स इनसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर अंडर द सर्कमस्टेंसेस। अभी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक बचा हुआ है, आप पूरा वीडियो देखिएगा, उसमें ड्रेसिंग कोड के बारे में है, क्योंकि पिछले बार मैंने देखा था बहुत सारे बच्चों को मतलब उनके शर्ट जो ऊपर के शर्ट होते हैं ना उन्होंने फुल शर्ट पहना था तो उसको भी उतारवा दिया था, ठीक है। तो कौन कौन सी चीज़ नहीं ले जानी है आप सब जानते होंगे, पेपर्स, ज्योमेट्री, पेंसिल, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, पेन, स्केल, ये सब नहीं ले जाना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ये सब चीज़ें आप जान रहे हैं, मशीन वगैरह कोई भी किसी भी तरह का वॉच वगैरह आपको नहीं लेना है, कोई किसी भी तरह का धागा भी नहीं होना चाहिए हाथ में,
ये ब्रेसलेट वगैरह, धागा, कैमरा, ये सब किसी भी तरह के मेटेलिक आइटम वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए। इस बात को आप समझ सकते हैं, क्योंकि ब्लूटूथ डिवाइस वगैरह को किसी भी तरह का कोई भी डिवाइस, या मैंने धागा तक खुलवा दिया गया था मेरा जब मैं पिछली बार गया था। तो आते हैं लास्ट में ड्रेस कोड पे, और ड्रेस कोड को देख लेते हैं क्या है ड्रेस कोड। द कैंडिडेट आर इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो द फॉलोइंग ड्रेस कोड वाइल अपीयरिंग फॉर डीएसएसबी एग्जाम। नंबर वन क्या कह रहा है, द लाइट क्लॉथ विथ हाफ स्लीव्स, नॉट हैविंग बिग बटन्स, ब्रॉक और बैचेस, ठीक है, फ्लावर एट्सेट्रा। तो जो आपका क्लॉथ्स होगा लड़कों के लिए, मैं बता रहा हूँ लड़कों के लिए, वो फुल शर्ट नहीं पहन के जाएंगे, हाफ वहाँ का शर्ट पहन के जाएंगे, ठीक है। तो हाफ स्लीवलेस अपना जो भी है वो पहन के जाएंगे, और किसी भी तरह का बड़ा मतलब बटन वगैरह नहीं होना चाहिए बहुत बड़ा, इस तरह बैचेस नहीं दिखना चाहिए, तो इस तरीके की चीज़ें दिखेंगे। और लड़कियों के लिए विथ सलवार और ट्राउज़र में जा सकती हैं। और आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि आपको स्लीपर और सैंडल में जाना है। सैंडल जो लड़कियाँ पहनेंगी वो बहुत हाई नहीं होना चाहिए, हाई हील सैंडल नहीं होना चाहिए, स्लीपर में जाना है लड़कों को। और किसी भी तरह से कोई भी शूज़ अलाउड नहीं होगा, इस बात का ज़रूर आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि पिछले बार मैंने देखा था कि कई लोगों को वहाँ पर निकलवा दिया था। तो आपको ऐसे ही फिर जाना पड़ेगा रूम में, आपके जो एग्जामिनेशन सेंटर में। तो इन सब बातों का आप ध्यान देंगे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है वहाँ पे, पुलिस भी होते हैं तो ड्यूटी भी लगती है, किसी भी तरह का देरी नहीं करेंगे, जो भी आपके एडमिट कार्ड पे लिखे हैं उन सारे रूल्स को आप फॉलो करेंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें ठीक लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं तैयारी करा रहा हूँ फिजिकल एजुकेशन की। मैं फिजिकल एजुकेशन में जितने भी अभी तक DSSSB के PGT के फिजिकल एजुकेशन एग्जाम्स हुए हैं, मैं इनको जल्द से जल्द खत्म करूंगा 29 तारीख से पहले, आपके एग्जामिनेशन डेट से पहले। तो आप उसको जरूर देखते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।